हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फ्रेंड्स, तो आज जानेंगे हम लोग कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या चीज। हिंदी के अक्सर वाक्य में ऐसा देखा जाता है कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं अंत में अगर आ जाए तो हम लोग उसमें समझते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इस वीडियो में हम वो बात नहीं करने वाले हैं, चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। आज कुछ अलग होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक एग्जांपल हो कि सीमा ने अपना फ़ोन खो दी है, तो सम स्टूडेंट्स इसे बनाएंगे कि सीमा हैज़ लॉस्ट हिज हर फोन। ओके, कुछ स्टूडेंट इसे बनाएंगे सीमा लॉस्ट हर फोन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर क्या है? तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो के अंत में आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे कि आई। आई तो सर एक्सेप्शन होता है, आई को छोड़कर यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन का साथ एक से अगर ज्यादा नाम आ जाए तो वहां पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे और हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी एक का नाम, जैसे कि रघु, राम, श्याम, एकन। ओके, और वर्ब 3 यानी कि अगर हम वर्ब 1 में अक्सर जनरली ईडी जोड़ेंगे तो वर्ब 3 बनता है। जैसे कि प्ले में अगर ईडी जोड़ देंगे तो प्लेड बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर लाफ में ईडी जोड़ देंगे तो लाफ्स बन जाएगा। उसी प्रकार अगर आप टॉक में ईडी जोड़ देंगे तो सर टॉक्स बनेगा। उसी प्रकार अगर आप वाक में ईडी जोड़ देंगे तो वाक्स बनेगा। ओके, तो सर पहला नंबर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, जब सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में शुरू किया था, ठीक है, यानी कि हाल में या फिर नजदीक में या फिर अभी अभी कुछ समय पहले या कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले जब सब्जेक्ट कोई काम स्टार्ट किया है। क्या क्या? हाल में, नजदीक में, अभी अभी, कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, लेकिन जिसका संबंध यानी कि कनेक्शन किससे? प्रेजेंट से हो। जिसका संबंध प्रेजेंट से हो, स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन जिसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट में है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है। ओके, जैसे कि सीमा ने अपनी फोन खो दी है, सीमा ने अपनी फोन खो दी है, तो इसका क्या बनाएंगे कि सीमा हैज लॉस्ट हर फोन। इसका मतलब यह हुआ कि सीमा ने, हो सकता है एक घंटा पहले, दो घंटे पहले, एक दिन पहले, दो दिन पहले अपना सीमा ने फोन खो दी है। तो सीमा फोन खो दी है, इसका मतलब सीमा अभी भी परेशान है, या हो सकता है कि उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे, अभी वो चिंतित है, अभी भी उसके पास फोन नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट से अभी भी कनेक्शन है, प्रेजेंट में अभी भी इसका कनेक्शन है कि अभी वो चिंतित है या फिर उसका मम्मी पापा भी उसको डांट सकते हैं। तो पास्ट में 10 मिनट पहले, एक घंटा पहले, दो घंटा पहले वो खो चुका था, फोन खो गया है, लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी है। इसीलिए तो सीमा हैज लॉस्ट हर फोन, सीमा हैज लॉस्ट हर फोन, कि सीमा ने अपना फोन खो दी है। ये कनेक्शन विद नाउ, मतलब ये अभी भी कनेक्शन है, किससे? नाउ मतलब अब से कनेक्शन है, ठीक है। अगर कोई इसे बना देता है पास्ट में, सिंपल पास्ट में इसे बना देता है कि सीमा लॉस्ट हर फोन, इसका मतलब यह है कि यह कनेक्शन विद नाउ, ये जो है अब अभी प्रेजेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रेजेंट से इसका कनेक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 से बनेगा। अगर ये प्रेजेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 से नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर। जैसे कि आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपना फिंगर काट लिया है, ठीक है। अब दूसरा है सर आई कट माई फिंगर। ओके, तो आई हैव कट माई फिंगर का मतलब मैंने फिंगर काट लिया है एक मिनट पहले, दो मिनट पहले, इसका मतलब मैं अभी ये ब्लीडिंग हो रहा है या फिर आपने इसको क्या किया, मरहम पट्टी किया हुआ, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। अगर आपसे फ्रेंड एक दिन बाद पूछता है कि अरे क्या हुआ उंगली में, तो आपने बोलता है यार मैंने अपना उंगली काट दिया, इसका मतलब है कि अभी भी यह कनेक्शन है किससे? प्रेजेंट से। आपने एक दिन पहले उंगली काटा था लेकिन अभी भी ये
आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अभी भी आपका हाथ में बैंडेज है, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, यह कनेक्शन है प्रेजेंट से। सो अगर प्रेजेंट से कनेक्शन है, पास्ट में हुआ था, अभी भी प्रेजेंट में इसका कनेक्शन है, तो उसमें हम लोग हैव या हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में जो काम परफेक्ट हो चुका है। ओके, जैसे कि आई हैव कट माई फिंगर्स, मतलब यह कनेक्शन विद नाउ, इसका कनेक्शन क्या अभी से है, प्रेजेंट से है, लेकिन आई कट माई फिंगर कि मैंने अपना फिंगर काट दिया है, मतलब ये 1 साल पहले 2 साल पहले कट गया था, अभी ठीक हो गया, लेकिन इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं है, इसीलिए यह जो है कनेक्शन विद नो ये नहीं है, इसीलिए ये नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर वाला सही है। ही हैज, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल सर, ही हैज वॉश्ड हिज रूम, कि उसने अपना रूम को साफ किया है, उसने अपना रूम को साफ किया है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका रूम अभी चमक रहा है, इसका कनेक्शन है। अगर आपके फ्रेंड आपके रूम में पहुंच जाए, अगर आपके फ्रेंड बोल रहा है कि वह रूम तो चमक रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ मैंने रूम साफ किया, इसका मतलब है कि रूम को आपने साफ किया था 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, आपने काम तो तभी फिनिश कर दिया था, लेकिन उनका कनेक्शन अभी भी है कि आपका रूम क्लीन है, अभी भी कनेक्शन है, तो कनेक्शन को दर्शाने के लिए हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। सिंपल, तो ही हैज वॉश्ड हिज रूम, अगर कनेक्शन को अगर दर्शाना ना हो तो ही वॉश्ड हिज रूम इसका प्रयोग करेंगे, यह जो कनेक्शन विद नाउ ये इसका अभी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, ये क्या है पास्ट यानी कि जो खत्म हो गया है। ओके, सो ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस करा है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पे। ओके, सेकंड पॉइंट है सर आपका कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, जो काम पास्ट में शुरू हो गया है, ओके, और वह अभी भी जारी है या अभी भी अभी अभी समाप्त हुआ है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ था, शुरू हो गया है, और वह काम अभी भी जारी है या फिर अभी अभी समाप्त हुई है, इसे एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पास्ट में जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो 2 दिन पहले यानी कि पास्ट में स्टार्ट हो गया था कि सर आप बीमार थे, तो टाइम तो समय तो चलेगा, और प्रेजेंट में भी सर कह रहे हैं कि सर प्रेजेंट नाउ अभी, अभी भी आप क्या है सर बीमार ही है, मतलब यह हुआ कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और वह अभी भी जारी है या अभी अभी समाप्त हुआ है, तो अभी भी जारी है कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मतलब मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, 2 दिन पहले मेरा बीमार स्टार्ट हुआ और अभी भी मैं बीमार हूँ, तो उस कंडीशन में हम लोग भी इसका किसका प्रयोग करें, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। ओके, तो मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। ओके, यहाँ पे सर हैव के बाद वर्ब 3 का प्रयोग, अब बोलेंगे सर बीन का कैसे हो गया, तो ये जो है सर हैव के बाद किसका आया, बीन, अब बीन क्या है वर्ब 3 है, कैसे यहाँ पे देखते हैं सर, बी मतलब होना, वाज वर दूसरा रूप है और तीसरा रूप है बीन, तो सर बोलिए कि हैव के बाद वर्ब 3 आया है कि नहीं आया है, यानी कि बीन, और आप लोग ये एक बच्चों में एक कंफ्यूजन रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगता है और बीन के बाद वर्ब 4 लगता है, यानी कि वर्ब में ing लगता है, यानी वर्ब 1 में ing, यहाँ पे ing नहीं है, इसलिए मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, यहाँ पे सर सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि फिक्स्ड पॉइंट पे, जैसे सोमवार से मंगलवार से, ठीक है, जनवरी से फरवरी से, 1980 से, ये फिक्स्ड टाइम होता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता, जैसे कि 2 दिन से, तो कौन 2 दिन से, सोमवार से मंगलवार से, पता नहीं, अगर कह रहे हैं कि नहीं 2 साल से, तो कौन 2 साल से, 2015 से 16 से, पता नहीं, तो जो पता नहीं है उसके लिए फॉर का, और जो फिक्स टाइम है उसके लिए सिंस का, तो 2 दिनों से कह रहा है इसमें, तो 2 दिन कौन 2 दिन से, जैसे कि मैंने बोला कि सोमवार से है कि मंगलवार से, फिक्स टाइम नहीं है, मतलब 2 दिन से कोई भी टाइम हो सकता है, इसीलिए वहां पे फॉर का प्रयोग है, इसलिए आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। वे लोग सोमवार से व्यस्त हैं, सोमवार से व्यस्त है मतलब सोमवार से स्टार्ट हो गया था, तो सोमवार काम स्टार्ट हुआ तो क्या है वहां पे, वो फिक्स टाइम है, मंडे क्या है, फिक्स टाइम है, जैसे दे हैव बीन बिजी सिंस मंडे, इसलिए वहां पे किसका प्रयोग होगा, सिंस का, क्योंकि मंडे सोमवार से फिक्स टाइम है, और दे हैव बीन बिजी सिंस मंडे। हम लोग इस घर में 1980 से रह रहे हैं, तो क्या लगाएंगे कि वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1980। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, वी हैव लिव्ड क्यों लगा दिए, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब 4 नहीं होता,
कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज नहीं करते, जैसे कि लिव है, नोन है, थिंक है, अंडरस्टैंड है, लव है, लाइक है, डिसलाइक है, ये सब हम लोग वर्ब फॉर्म में नहीं करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे वी हैव लिव्ड होगा, अगर लिविंग लगाना तो वो भी सही होगा, लेकिन फिर इसमें बीन लगाना पड़े तो वी हैव बीन लिविंग। लेकिन अक्सर जनरली ये जो लिव है, नोन है, नो है, इसका वर्ब फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। ओके, इसलिए वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1980, वी हैव नोन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, फॉर 10 years, 10 साल से। नाउ वी विल मूव ऑन, सब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। ओके, इसका नेगेटिव है सर कि हैव में अगर नोट जोड़ देंगे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैवंस पढ़ेंगे, अगर हैज में नोट जोड़ देंगे तो इसे हम लोग हैजंट पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि मैंने श्याम को नहीं देखा है तो आप लोग बोल सकते हैं आई हैव नॉट या फिर आई हैवंट सीन श्याम। सी का मतलब होता है देखना, सी साव दूसरा रूप है और तीसरा रूप है सीन। ओके, जैसे कि मैंने चाय नहीं पिया है, अगर आपको बोलना है कि मैंने चाय नहीं पिया है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं आई हैवंट टेकन टी, क्योंकि टेक टू टेकन वर्ब थ्री होता है इसका, टेकन। ओके, सी हैजंट हेल्प्ड मी, यहाँ पे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं इसको बोलने में, क्योंकि सबसे अच्छा खूबसूरती अगर किसी भाषा का होता हो तो बोलने का तरीका, तो ये जैसे हेल्पेड पढ़ देता है जो कि इनकरेक्ट है। ओके, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेल्प्ड, अगर ईडी है तो उसको टी का उच्चारण किया जाता है, इसके कुछ रूल है, जैसे कि अगर पी आ जाए, के आ जाए, टी आ जाए, एम एस आ जाए तो उसमें, ठीक है। जैसे कि बच्चे स्कूल नहीं गए तो द चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, आई के साथ तो सर हैव लगता है, ठीक है, तो प्लूरल है तो हैव लगेगा, तो द चिल्ड्रन हैवंट गोन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। सम एडवर्ब्स है, कुछ एडवर्ब्स है जो कि वर्ब के पहले लगता है, जैसे कि एवो कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, प्राय इसको आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले ही, जैसे कि मैंने अपने पहले ही काम पूरा कर चुका है, तो आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, येट अब तक, जस्ट तुरंत, जैसे कि वह अभी अभी आया है तो ही हैज जस्ट कम, तो कम के पहले अपने एडवर्ब्स यानी कि जस्ट का प्रयोग किया, लेटली हाल में, रिसेंटली भी हाल में, सो फार अब तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान समय तक। ओके, और एक पॉइंट है सर अगो, ए जी ओ, ये जो है सर सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी नहीं होता है, ये सर पास्ट में होता है, किस में होता है, पास्ट में। ओके, जितने भी एडवर्ब्स मैंने अभी बोला है इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, अगर ये ऐसा आपको अगर कभी भी सेंटेंस में दिखाई मिल जाए, हैव या हैज के बाद ये सब, तो समझ जाना कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकूं। सी यू नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद फ्रेंड्स।